व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग जो मेनली डिस्कशन आज करने वाले हैं वो होने वाली है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स के कुछ बेसिक्स मैंने आपको कराए हैं ऑलरेडी, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे थे साथ साथ। बट आज की क्लास का जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क के लिए भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके आने के चांसेस लगभग तय हैं, क्योंकि ये शेयर्स में भी है, डिबेंचर्स में भी है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। हेडिंग के साथ शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का क्या मतलब है, इशू ऑफ शेयर आप सब जानते हो, इशू ऑफ शेयर का मतलब शेयर इशू करना। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, कंसीडरेशन का मतलब होता है इन एक्सचेंज। कंसीडरेशन शब्द लॉ में भी कई बार यूज होता है, जब आप लॉ पढ़ते हो तो अगर आप फर्दर लॉज पढ़ोगे तो वहां कंसीडरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज में, बदले में, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी सर्विसेज आपके लिए कंसीडरेशन है, मेरे लिए कंसीडरेशन वो फीस हो सकती है जो आप मुझे दोगे। तो कंसीडरेशन ये बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब अदर देन कैश का क्या मतलब है, यहां पे क्या होता है, दो केसेस बनते हैं बेटा जी, दो केसेस बनाएंगे। नंबर वन, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, जब एक एसेट खरीदा जाता है। और दूसरा क्या होता है, व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। इसका मतलब है कि या तो आपने एक एसेट खरीदा तो क्या होगा, और अगर आपने एक रनिंग बिजनेस खरीदा तो क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जब एक एसेट परचेज करा जाता है, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड। सर क्या मतलब बनता है एक एसेट खरीदने का, एसेट खरीदने का मतलब आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई लैंड खरीदी, इस तरीके का कोई एसेट खरीदा। तो सबसे पहले हम एसेट खरीदने की एंट्री करते हैं, फॉर परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, बड़ी सिंपल सी यार, आप सब जानते हो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है, जिससे खरीदा है ना। कैश में दिया तो टू कैश, लेकिन कैश तो दिया नहीं ना, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या था, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश से हटके कुछ कंसीडरेशन देना है। तो अगर आपने कोई एसेट खरीदा तो एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहले एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या वेंडर लिख दो, वेंडर अकाउंट मत लिखो, नाम के साथ अकाउंट मत लगाना, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, इस वेंडर को बोलोगे कि मैंने जमीन खरीद ली, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे के बदले में आपको शेयर्स देने वाला हूँ। पैसे के बदले में मैं आपको बिल दे सकता हूँ, पैसे के बदले में आपको चेक दे सकता हूँ। सिमिलरली मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मैं आपको देने वाला हूँ शेयर्स। तो इस टॉपिक को ही क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो अब पेमेंट कैसे होगी सर, पेमेंट होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर आप कैश देते तो टू कैश, कोई बिल दे देते तो टू बीपी, कोई वहां पे चेक दे देते तो टू बैंक, लेकिन अभी हम शेयर दे रहे हैं, तो एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, स्क्रीनशॉट लेके चलो, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दिस वन इज फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट वी विल बी डूइंग वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पे क्या होता है, बस यहां पे याद रखना, शेयर्स आर इशूड एट पर, सही। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि वेंडर को पैसा दिया और वो शेयर्स प्रीमियम पे हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उस केस में क्या एंट्री बनती है, और
वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये एंट्री बन गई वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, तो आपके पास ये एंट्री बन जाती है। अब यहां पे क्या है, यहां पे शेयर्स कैसे इशू करे गए हैं, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। यहां पे शेयर्स कैसे इशू करे गए हैं, प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। ठीक है, इसके नीचे एक नोट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नोट को सावधान इंडिया पे लिख लेना, सावधान इंडिया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। हमेशा क्या कैलकुलेट करके चलो कि कितने शेयर्स इशू करे गए हैं। सर वो क्यों कैलकुलेट करना है, उसका मैं आपको अभी पर्पस बताता हूं। ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, नोट डाउन करके चलना अपने साथ साथ, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। शेयर कितने में इशू करा गया है, ठीक है सर। परचेज कंसिडरेशन क्या है, परचेज कंसिडरेशन है जितने में ये प्रॉपर्टी आपने या बिल्डिंग आपने खरीदी है, जो वेंडर को पैसा देना है उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, सबसे पहले तो एसेट खरीदने की, एसेट टू वेंडर, फिर पेमेंट में पैसा ना देके शेयर दिया तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर वो प्रीमियम पे हुआ। ठीक है, हमेशा क्या कैलकुलेट करके चलना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सो दैट हम लोग उसको पता कर पाए कि अमाउंट कितनी गई है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसके दूसरे पार्ट पे चलेंगे। लिख के चलो फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे को क्वेश्चन मिल जाए, हम फिर शुरू करते हैं। लिखेंगे X लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम Y लिमिटेड, X लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम Y लिमिटेड फॉर रुपीज 18 lakhs। X लिमिटेड ने एसेट खरीदे Y लिमिटेड से कितने के, 18 लाख के, पेबल इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। इसके दो केस बनेंगे, पहला एट पार, दूसरा एट 20% प्रीमियम। चलो जी, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो जल्दी से। एक्स लिमिटेड ने एसेट खरीदे हैं वाई लिमिटेड से 18 लाख रुपए के, और उसका पेमेंट जो है वो कैसे करा है, शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो सर क्या एंट्री बनेगी, देखो सबसे पहली एंट्री तो एसेट खरीदने की, एक्स ने एसेट खरीदा किससे, वाई से, तो एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से कितने के एसेट्स खरीदे, 18 लाख रुपीज के। ठीक है, अब अगर इसको शेयर्स दिए पार पे, तो पार पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि आपको 18 लाख रुपीज ही देने हैं, तो आप सीधा सीधा एंट्री करोगे Y लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा लिखना, एटीन लाख। प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है अगर ये केस हो, 20% के प्रीमियम पे, तो 20% के प्रीमियम पे है तो फिर क्या एंट्री बनती है, फर्स्ट एंट्री तो सेम बनेगी, दूसरी एंट्री में प्रॉब्लम आएगी, फर्स्ट तो सेम एंट्री बन जाएगी, यही वाली एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सेम एसेट डेबिट टू वाई। दूसरी एंट्री में क्या बात है सर, दूसरी एंट्री में आएगा वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जल्दी जल्दी से एंट्री नोट करो। अब सर यहाँ तो वाई लिमिटेड में तो 18 लाख आ जाएगा क्योंकि इसको 18 लाख रुपए देने थे। एसेट कितने के आएंगे देखो, 18 लाख रुपीस के हैं, तो यहाँ पे तो 18 लाख आ गया। अब प्रॉब्लम क्या आई कि शेयर कैपिटल में कितना और प्रीमियम में कितना। तो इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हमेशा निकाल लो। फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। फुल फॉर्म में लिख के आना, वहां पर जल्दी से लिख दो, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाई इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन इज 18 लाख। इशू प्राइस क्या है सर, इशू प्राइस है 100 वाला शेयर 20% के प्रीमियम पे इशू करा गया था, है ना। देखो 20% प्रीमियम, शेयर 100 रुपए का था, 20% का प्रीमियम, तो 100 रुपीज पे 20% विल बी 20, तो 120 में शेयर इशू करा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 120। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 अगर हम करते हैं, वैल्यू आता है 15,000 शेयर्स, वैल्यू आ जाता है 15,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स अगर हमारे पास हैं तो हम क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल हो गया। देखो शेयर तो 100 रुपये का ही था, 20 रुपये का प्रीमियम था, मल्टीप्लाई कर दो 15,000 से, 15,000 इंटू 100, 15 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आपकी एंट्री बन जाएगी। शेयर कैपिटल में हमेशा शेयर का वैल्यू लिखना, उसका एक्चुअल वैल्यू 100 रुपये वाला, प्रीमियम में जो प्रीमियम लिया एक्स्ट्रा, और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपली आपका ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, एंट्री ये बन जाती है। अब देखो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर इशूड ना निकालता तो मुझे पता नहीं चल रहा था ना बेटा जी कि यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा। दैट इज वाई इट इज मैंडेटरी, करना ही करना है, नंबर ऑफ शेयर इशूड हमेशा निकाल, ठीक है। अब बात करते हैं हम, सर अगर रनिंग बिजनेस खरीदा हुआ तो क्या होगा, दूसरा केस, अगर रनिंग बिजनेस खरीदा तो क्या होगा। अब देखो रनिंग बिजनेस चलता चला है, अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हो तो उसमें बहुत सारे एसेट्स भी होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होती हैं, तो वहां क्या एंट्री होती है, व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड, जब बिजनेस खरीदा गया तो क्या एंट्री होती है, तब एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, वहां एंट्री ये बनती है एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, ठीक है। अब हम इसको ना कंपेयर करते हैं बच्चे। सर कंपेयर करने का क्या मतलब है, देखो यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नेटवर्थ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा उस इंडिविजुअल की नेटवर्थ इतनी, उस कंपनी की नेटवर्थ इतनी। भाई नेटवर्थ है किस चिड़िया का नाम, किसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। नेटवर्थ इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस है कितने का, क्या उसका पैसा देना चाहिए। तो मैंने अज्यूम करा कि मैं एक बिजनेस खरीदने के लिए जा रहा हूं जिसके एसेट्स 20 करोड़ के हैं। इसी बिजनेस की बात करते हैं, एसेट्स इसके 20 करोड़ के हैं, सारे एसेट गिन लो इसके अंदर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर स्टॉक सब ले लो, 20 करोड़ रुपए के इसके एसेट है। और इसकी लाइबिलिटीज हैं 8 करोड़ की। हमने लाइबिलिटीज देखी, कुछ क्रेडिटर्स हैं, कुछ बैंक लोन हैं, कुछ बिल पेबल हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं ना, वो निकल के आई 8 crore की। तो 20 करोड़ की एसेट्स हैं, यानी लोगों से पैसा लेना एक तरीके से कैश आएगा, और 8 करोड़ लोगों के देने हैं, तो इसका नेट वैल्यू क्या निकल के आया, भाई ये लेना ये देना है, तो नेट वैल्यू क्या 12 करोड़ निकल आया। इसी को हम नेट वर्थ बोलते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देते हैं, इसी को हम नेट एसेट भी बोल देते हैं। 12 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू निकल आई या नहीं निकल आई। अब तुम एज्यूम करो कि 20 करोड़ रुपए के मेरे एसेट्स थे, 20 करोड़ के मेरे एसेट्स थे, और लाइबिलिटी कितने की है हमारी, लाइबिलिटी है बेटा जी हमारी 8 करोड़ की, तो लाइबिलिटी आपने क्रेडिट करी 8 करोड़। बिजनेस का वैल्यू 12 करोड़ लगना चाहिए था ना, बिजनेस का वैल्यू कितना लगना चाहिए था, 12 करोड़। सामने वाले ने पैसे मांगे 15 करोड़, सामने वाले ने पैसे कितने मांग लिए,
15 करोड़ रुपए मांग लिए। भाई 12 करोड़ के बिजनेस के 15 करोड़ कैसे मांग रहा है, किस हिसाब से मांग रहा है, दिमाग चलाओ। बिजनेस का वर्थ तो 12 करोड़ बैठ रहा है, वो 15 करोड़ रुपए मांग रहा है, 3 करोड़ किस चीज़ के मांग रहा है एक्स्ट्रा? वो 3 करोड़ मांग रहा है अपनी गुडविल के। भाई आप किसी का भी बिजनेस खरीदोगे उसके नाम के साथ खरीदोगे ना, तो 3 करोड़ का जो डिफरेंस है आपके हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए थी 12 करोड़, उसने मांगे 15 करोड़। 3 करोड़ फालतू किस चीज़ के, वो मांगे गुडविल के। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखो तो एंट्री भी मैच नहीं हो रही बेटा जी। ऊपर 20 नीचे 23, 3 करोड़ का फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ गई, बैलेंस डेबिट में आ गया। 3 करोड़ का बैलेंस जब भी डेबिट साइड में आए तो हमेशा गुडविल डेबिट होगा। तो याद रखो, अगर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट में आ रहा है तो डेबिट में हमेशा गुडविल लिखते हैं। आपने शायद एंट्री वाले रटी हो कि एंट्री बनाओ फिर दोनों का डिफरेंस देख करो, अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में आ रहा है तो कुछ और, मैं अभी आपको बताऊंगा। बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपकी बिजनेस की जो वर्थ है उससे ज्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है, तो किस चीज का पैसा है? गुडविल का। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट। दूसरा होता है बच्चे हमारे पास, अब इसी सिचुएशन को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए आप फिलहाल इस गुडविल को भूल जाना, ठीक है? मैं अमाउंट को हटा रहा हूँ, इस वाले अमाउंट को हटा रहा हूँ और गुडविल को मैं 0 लिख रहा हूँ अभी के लिए। मतलब इस एंट्री के लिए आप फिलहाल के लिए गुडविल भूल जाओ कि गुडविल कोई चीज़ है, ठीक है? अब देखो, एसेट वही सेम ले लो 20 करोड़ कि एसेट है 20 करोड़ के, लाइबिलिटी है 8 करोड़ की, तो बिजनेस का वैल्यू 12 करोड़ बैठता था, बिजनेस का वैल्यू बैठता था 12 करोड़, और हमें यह बिजनेस 10 करोड़ में ही मिल गया। हमें यह बिजनेस कितने में मिल गया? 10 करोड़ में। अब 12 करोड़ का बिजनेस मुझे 10 करोड़ में मिल गया, मुझे तो फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? मुझे तो सर 2 करोड़ का फायदा हुआ। क्या यह फायदा रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? रेवेन्यू नेचर होता है जो रोज रोज होता है, कैपिटल नेचर होता है जो कभी कभी आपको उस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि यह फायदा किस नेचर का है, तो यह फायदा है कैपिटल नेचर का। कोई भी कैपिटल नेचर की चीज़ होती है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो इस बार अगर देखा जाए तो ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, होती है या नहीं होती है? अब देखो, इधर 20 इधर 18, 2 करोड़ का फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहाँ मैं कहाँ पे डालने वाला हूँ ये अमाउंट? कैपिटल रिजर्व में। ये भी बैलेंसिंग फिगर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो या तो डिफरेंस आपका आएगा डेबिट साइड में इधर, और या फिर आपका डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में। अगर आपका डिफरेंस बेटा जी डेबिट में आता है तो आप गुडविल को डेबिट करोगे, अगर आपका डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो आप कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करोगे। बात समझ आई? यूजुअली हम लोग एंट्री याद करते हैं, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, फिर डिफरेंशिएट करा, डिफरेंस आया अगर डेबिट में तो गुडविल लिख दिया, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। क्यों लिख दिया ये समझ में आया? ये जरूरी है, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट की सेम एंट्री है, फॉर पेमेंट। पेमेंट में कैश तो देना नहीं है, पेमेंट में शेयर्स देने हैं, तो शेयर्स देने हैं तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर वो शेयर्स प्रीमियम पे हुए तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अकाउंट लगा लेना यार सबके साथ प्लीज, मैं भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी में। अगर प्रीमियम पे है तो ये सेम, तो मेजर जो कॉन्सेप्ट है ना वो वही है, वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद पेमेंट तो सेम है यार, पेमेंट में क्या है? आ गया जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको ट्राई करना है, ठीक है? परफेक्ट। चलो क्वेश्चन क्या है जी? सर क्वेश्चन बता दो फटाफट से। क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा वाई लिमिटेड का, कितने में खरीदा सर? फॉर रुपीज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड, 250,000 रुपए में बिजनेस खरीदा है, ठीक है?
पेबल एज रुपीज 220 पेबल एज रुपीज 220 इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स 220 इन फुली पेड। बेटा अभी ना 5 मिनट के लिए सबको नीचे रोक दे, मैं आवाज मार के बुलाता हूँ प्लीज, ठीक है? सबको नीचे रोकना। इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स पेबल एज रुपीज 220 इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स एंड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट बाकी बैलेंस कितना होगा सर? डिफरेंस 2,20,000 के शेयर दे दिए, 2,50 पे करने हैं, 30,000 का डिफरेंस बचा, तो वो ड्राफ्ट से पे करा, ठीक है? ये इसके अंदर आ गया। अभी तक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं हमारे पास? प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक। कैश एंड क्रेडिटर्स आपके पास ये चीजें हैं, ठीक है जी? इसके अमाउंट्स कितने कितने हैं? 90-90-30-50-20-20 90-90-30-50-20-20 ये सब थाउजेंड्स में है। अब आपको एंट्रीज करनी है। लो जी, वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी एंट्री करो, ठीक है? वीडियो पॉज करो। रनिंग बिजनेस खरीदा, इस बार तुमको खुद कोशिश करनी है भाई, सही है ना? रनिंग बिजनेस खरीदा, तुम खुद ट्राई कर रहे हो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो। चलो जी, आई होप आपका क्वेश्चन हो गया होगा, आपने पॉज करके क्वेश्चन खुद करा होगा। अब देखते हैं कि क्या करना है। आओ जी, मैंने आपको क्या सिखाया? जब भी रनिंग बिजनेस खरीदा तो सभी एसेट्स डेबिट कर दो। एसेट्स कौन कौन से हैं? प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश। ये 5 एसेट्स हैं। प्लांट मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश। बिल्डिंग शॉर्ट में लिख रहा हूं अब मैं, डेटर्स, स्टॉक, कैश। लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है, टू क्रेडिटर्स एंड टू किसका बिजनेस था? वाई लिमिटेड का, एंड टू वाई लिमिटेड। ये हो गया 90-90-30-50-20 90-90-30-50-20 90-90-30-50-20 और 20। बिजनेस कितने का खरीदा आपने वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है? फिलहाल आई वॉन्ट कि हम इस बिजनेस की वैल्यू निकालें, है ना? बिजनेस की अगर वैल्यू निकालें तो इसका सम कर लो, 90-90-180-210-260-280 280 के इसके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं 20,000 की। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी अगर मैं करता हूँ तो 260,000 रुपये बिजनेस का वैल्यू बनता है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज मैंने आपको यही सिखाया, 260 बिजनेस का वैल्यू बन गया। आपको ये बिजनेस कितने में पड़ा? 250 में मिल गया भाई साहब आपको ये बिजनेस। देखो साफ साफ लिखा हुआ है ना, आपको बिजनेस मिल गया 250 में। वाई लिमिटेड को आपको 250 देने हैं। 260 वाला बिजनेस आपको 250 में मिल गया, तो क्या आपका 10,000 का फायदा है? फायदा हो गया ना। और कोई भी फायदा हो वो कैपिटल रिजर्व में डाल देना यहाँ पे। अगर वैसे भी देखा जाए तो डिफरेंस इधर आएगा, इधर बैठ रहा है 280, इधर बैठ रहा है 270। तो जो डिफरेंस है उसको किस नाम से लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व। 10,000 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, ठीक है? डिफरेंस इधर आ रहा होता तो वो गुडविल था। अब पेमेंट कैसे करा जी? पेमेंट करा 220 तो शेयर्स से। अब कुछ नहीं बोला तो वो पार पे ही होगा। वाई लिमिटेड डेबिट 250 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 220। बाकी ड्राफ्ट से दिया है तो उसके लिए टू बैंक अकाउंट, 30,000 ड्राफ्ट से दे दिया। तो देखो ऐसे एंट्री हो जाती है। आई होप आप लोगों का सही हुआ होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस ने यही एंट्री करी थी और बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट आई है। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? परफेक्ट है।
तो ये बेटा जी हमारे पास टॉपिक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। एक जगह पे अगर करूं तो आपके पास कहाँ गया, लो जी स्क्रीनशॉट लेना है, लो फटाफट से। एसेट खरीदा तो ये, रनिंग बिजनेस खरीदा तो ये, ठीक है। दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज डन, और उम्मीद है मुझे आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। इस पे बेस में आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं इसके अंदर, और फिर हम फर्दर चलते हैं मेनली एरियर्स, एडवांस, फॉर फीचर्स, री इशू, और हमारा चैप्टर एंडिंग की तरफ जाएगा। बट फिलहाल कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करो। मिलता हूँ मैं आपको न्यू वीडियोज़ में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।